तो गेम प्ले तो सबको लेजेंड की तरह चाहिए। हाँ। एकदम ऐसा कि गेम प्ले देख के बंदे बोले कि धकराएं काट रही हो हमको। और आखिर चाहे भी क्यों ना लोग ऐसा, क्योंकि भाई एक अच्छे गेम प्ले से आप लोग एक अच्छे गिल्ड में जा सकते हो, आप लोग का नाम हो सकता है, आप लोग फेमस हो सकते हो राइस्टार क्लैसी पागल एमटेन और भी न जाने कितने सारे गेम प्ले के तगड़े तगड़े यूट्यूबर की तरह। बट सबका गेम प्ले अच्छा कहाँ हो पाता गाइस, वो कितने भी प्रैक्टिस कर ले, कितने भी वीडियो देख ले, उनका एट द एंड गेम प्ले वैसा का वैसा ही रहता है। सो आखिर ऐसा क्यों है आपने कभी सोचा है? नहीं। तो अगर नहीं सोचा तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक देख लो। इस वाली वीडियो को देखने के बाद आप अपना गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा करके जाने वालों। जी हाँ, बट एक शर्त पे गाइस, आपको कोई भी पार्ट या फिर कोई भी टिप्स मिस नहीं करनी। आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ही गेम प्ले आप लोग का बनेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग पूरा देख के पूरा अच्छी तरीके से गेम प्ले बनाओ, ताकि आप लोग का भी अच्छा नाम हो, आप लोग भी अच्छे गिल्ड में जाओ। सो इस वीडियो में गाइस आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, सेटिंग्स, सेंसिटिविटी, कस्टम एचयूडी और भाई कैरेक्टर स्किल सब कुछ बताने वाला। और हाँ, लास्ट में एक बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो सबसे भगवान टिप्स एंड ट्रिक्स तो आपका मोबाइल ही होता है, ये तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि एक अच्छा मोबाइल हो तभी तो अच्छा गेम प्ले कर पाएंगे ना, वरना 1 GB में कहाँ लेजेंड बन पाएंगे यार। पर बात कर ले इसका उल्टा कि ज़्यादातर बंदों पर लो डिवाइस ही रहते हैं। चलो यहाँ तक तो फिर भी सह लेंगे, बट अब तो यार सबको फ्री फायर मैक्स ही खेलना पड़ता है, तो उसमें तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हसदे चेहरे दा मतलब ये नहीं हुंदा कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुंदी, ओदा मतलब ये हुंदा कि इन्हां नूं तकलीफां नाल डील करना हुंदा। तो हाँ यार, इस गंभीर समस्या से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि आप लोगों को अपना फ्री फायर मैक्स को फ्री फायर में बदल देना है, और उसको मतलब एक्सटेंशन पैक पूरा डिलीट कर देना है, स्मूथ ग्राफिक पे कर देना है, और बहुत सारी सेटिंग कर लेनी है। और सारी सेटिंग मैंने इस वाली वीडियो में बता रखी है, जो आप में से किसी ने भी नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हाँ, इस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी सीक्रेट थी। और एक बार आप कमेंट करके बता दो आप कौन से मोबाइल में खेलते हो, आपकी रैम वगैरह क्या है, ठीक है, या फिर आप लोग पीसी वगैरह में खेलते हो, कमेंट करके बता देना किस में खेलते हो आप लोग और क्या रैम वैम है आपकी, ठीक है। अब बात कर ले नंबर 2 चीज़ की, वो होती है कस्टम एचयूडी। कस्टम एचयूडी एक ऐसी चीज है जिसमें कभी भी कोई बंदा सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता, ना कभी श्योर होता है कि उसको कैसा रखना है। कस्टम एचयूडी के लिए आप लोग ने ढेर सारी वीडियो देखी होंगी कि इस बटन को वहां रखो तो उस बटन को वहां रखो, और भाई मतलब कैसे कैसे रखने के लिए बोलते हैं, आप लोग वैसे ही रखते हो। ओके, तो क्या इससे कभी कोई फर्क पड़ा है? नहीं, और कभी पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग जो गेम प्ले करते हो वो अपने हाथ से करते हो, और हाथ को आप लोग का जो डिमांड है वो देता है आप लोग का दिमाग। तो भाई जब आप लोग बार बार चेंज करते रहोगे तो कोई फिक्स पोजीशन तो रहेगी नहीं कस्टम एचयूडी की, तो कभी आप इधर सोचोगे कभी उधर सोचोगे। तो आप लोग को बस एक परमानेंट कस्टम एचयूडी बना लेना है, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो वो तो चलता है, बट बार बार अगर चेंज करते रहोगे पूरा तो भाई बिल्कुल बेकार होगा। तो एक परमानेंट अगर आप लोग बना लोगे कस्टम एचयूडी जिसको आप लोग हमेशा के लिए रखोगे, तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप लोग का दिमाग इस तरीके से गाइस सेट हो जाएगा कि आप लोग बिना देखे ही फायर के बटन पे, ग्लू वॉल के बटन पे और सारी चीजें चीज आती है, वो है सेंसिटिविटी। अब ये आपके गेम प्ले को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, बट ये आखिर होती किस लिए और इसका क्या यूज करना है, कैसे रखना है और क्या कितना रखना है, सब कुछ बता देता हूँ। तो देखो, बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि कोई ऐसी सेंसिटिविटी मिल जाए जिससे मैं हैकर बन जाऊँ। तो देखो इसका काम क्या होता है, पहले वो समझो, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा खुद से समझ पाओगे। तो सेंसिटिविटी का काम सिंपल यही होता है, आप लोग के गेम को मक्खन की तरह स्मूथ बनाना। जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी आप हाई रखोगे उतना ज़्यादा आप लोग का मूवमेंट इंक्रीज होगा, यानी कि फोन उतना ज़्यादा आप लोग का मूवमेंट मतलब कैरेक्टर का मूवमेंट होगा इधर से उधर। देखो जो हाई डिवाइस होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा पहले से सेंसिटिविटी होती है, बहुत ही ज़्यादा मक्खन की तरह चलता है, बट जो लो डिवाइस होते हैं उनमें थोड़ी कम होती है। तो लो डिवाइस वालों को हमेशा ज़्यादा ही रखनी चाहिए, और आईफोन जैसे जो हाई डिवाइस है या और भी जो हैं मतलब ज़्यादा रैम वाले, तो वो कम भी रखेंगे तो चलेगा। बट अगर आप लोग चाहते हो एक ऐसी सेंसिटिविटी जो हर एक बंदा यूज़ कर सके, तो हाँ 80 से 90 के बीच में हर एक बंदा यूज़ कर सकता कोई से भी फोन का। ओके, सब अपने फोन के हिसाब से रख सकते हैं। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। नंबर 4 की बात कर ले तो होता है आपका गेम प्ले। अब भाई गेम प्ले आपका कैसे अच्छा माना जाएगा, आपको पता होगा आप लोग को हेडशॉट मारने बहुत अच्छे आने चाहिए, 1 tap हेडशॉट, एंड उसी के साथ आप लोग की मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ग्लू वॉल बहुत अच्छे लगाने आने चाहिए, तो आपका गेम प्ले अच्छा माना जाएगा। अब ये सारी चीजें भी गाइस आप लोग अलग अलग वीडियो देख के ही सीख सकते हो, तो इसकी वीडियो मैं फ्यूचर में लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकते। बस मैंने ये बता दिया कि आपको ये तीनों चीजें कम से कम अच्छी करनी है,
ताकि आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा। गाइस नंबर 5 पे जो चीज़ आती है वो आती है गाइस आप लोगों की प्रैक्टिस। तो देखो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है ना, मतलब सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप साइड में रख दो और प्रैक्टिस को गाइस आप साइड में रख दो तो प्रैक्टिस कई गुना ज़्यादा आप लोग का इफेक्ट करती है। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप लोग गेम को खेल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना प्रैक्टिस आप लोग करते जा रहे हो ना, उतना तगड़ा आपका गेम प्ले बनेगा, मानो या ना मानो। आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, मतलब अगर आप बहुत मतलब दिन भर में बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो तो आपको बहुत अच्छा गेम प्ले होने लग जाता है अपने आप ही, ठीक है। आपका धीरे धीरे अपने आप ही अच्छा गेम प्ले हो जाएगा। और अगर आप लोग कुछ महीनों के लिए यानी कि एक महीने के लिए, एक हफ्ते के लिए गेम छोड़ दोगे तो आप लोग बोलोगे कि यार मैं मतलब इतने दिन से गेम नहीं खेल पा रहा था इसलिए अच्छे से नहीं खेल पा रहा हूँ। तो ये सब कुछ आपके प्रैक्टिस की वजह से ही होता है। जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोग का गेम प्ले बेस्ट बनेगा। सो गाइस प्रैक्टिस के लिए आप लोग ट्रेनिंग मोड खेल सकते हो, आप लोग अनलिमिटेड वाले कस्टम खेल सकते हो, लोन वुल्फ खेल सकते हो, तो ये सारे मैचेस आप प्रैक्टिस के लिए खेल सकते हो। और हाँ, सोलो वर्सेस स्क्वाड आप लोग को रैंक मैच में खेलना है, बिकॉज रैंक मैच तो अभी मतलब बहुत ही बोट प्लेयर आते हैं, लेकिन आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलोगे तो वहाँ 4 बंदों को मारने की आप लोग की प्रैक्टिस होगी। ओके गाइस, सो हाँ अभी बताने वाला हूँ आप लोग को बोनस टिप्स, बट उससे पहले जिसने भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और जो भी भाई लोग चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल प्रेस कर देना, क्योंकि भाई बिना सब्सक्राइब करके आपको बोनस टिप्स का फायदा नहीं हो पाएगा। अब ऐसा क्यों है आप लोग खुद ही सुन लेना। बोनस में आप लोग को आता है कंट्रोल्स में, जो आपके बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं उसमें आप लोग को कुछ कुछ सेटिंग करनी होती है, और उसी के संग आप लोग का पिंग भी आ जाता है, क्योंकि अच्छे पिंग होंगे तभी आप लोग अच्छी तरीके से गेम खेल पाओगे और आपका एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी। तो ये सारी चीज़ों की वीडियो मैं लेके आने वाला हूं, तो अगर आप लोग को देखनी है सारी वीडियो जिससे आप लोग बहुत ज्यादा फायदा ले पाओ तो आप लोग ना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अब आपके लिए बैक टू बैक दोबारा से लेके आने वाले हैं। सो तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। और हाँ गाइस, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूं।